कोरोना काल में लगभग सभी की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ा है और कोरोना काल में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट के अध्यक्ष यूएस चौहान ने सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार से स्कूल बसों के टैक्स माफ करने की मांग की। यूएस चौहान ने कहा कि कोरोना काल में सब बंद की वजह से बसों के टैक्स जमा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इस वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पेश भी तो सिर्फ बसों के टैक्सेस को माफ करने के प्रति थे, ताकि क्योंकि कोरोना काल के पीरियड में बसेस को अब स्कूलों के आदेश कर दिए सरकार ने चलाने के लिए, तो बसेस के चलाने के लिए उनके सारे टैक्सेस जो हैं वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं। एक वर्ष से ज़्यादा समय हो गया बसों को खड़ी को, तो उससे क्या होता है उसकी इंश्योरेंस भी खत्म, एक वर्ष की होती है, टैक्सेस भी पर ईयरली होते हैं सारे, वो सारे टैक्सेस जो हैं उसके ख़त्म हो चुके हैं। और इस पीरियड में, कोरोना काल के पीरियड में, ना बच्चों स्कूलों को जो है फीस और फंड्स मिले नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, ना तो वो पूरी फीस सैलरी दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट करने के लिए हमने किया था कि ये टैक्सेस हमारे 31 मार्च तक के माफ कर दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।